गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फोर मेथड देखे थे, आपके पे बैक पीरियड मेथड, सेकंड हमने देखा था पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का मेथड, बेल आउट मेथड और एआरआर का मेथड। आज हम एक नए मेथड की तरफ जा रहे हैं, जो बिल्कुल नए आपके लिए, मॉडर्न मेथड यानी आधुनिक विधियाँ, जिसे टाइम एडजस्ट रेट ऑफ रिटर्न मेथड कहते हैं। क्योंकि हमने आपको पता होगा कि कैपिटल बजटिंग में दो मेथड में डिवाइड किया था, एक ट्रेडिशनल मेथड था और एक मॉडर्न मेथड था। तो आज हम उसी मॉडर्न मेथड की बात कर रहे हैं। आधुनिक मेथड को टाइम एडजस्ट रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहा गया है, यानी आधुनिक जो विधि थी उसको हमने समय समायोजन प्रत्यय की दर विधि भी कहा है। इसके लिए एस सी कुचाल ने एक डेफिनेशन दी है, इन रिसेंट ईयर द टाइम डिस्काउंट रेट ऑफ रिटर्न हैज़ कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट मीनिंगफुल टूल फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग विद द रेस्पेक्ट टू फ्यूचर कमिटमेंट एंड प्रोजेक्ट। यानी कि हाल ही के वर्षों में हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि समय समायोजित दर को वित्तीय निर्णय लेने के लिए सबसे ज़्यादा क्या गया गया है, सबसे ज़्यादा सार्थक रूप में इसे माना गया है, यानी मीनिंगफुल टूल माना गया है। किसको? समय कारक विधि को, राइट। और इसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि भविष्य की जो भी प्लानिंग करनी हो या परियोजनाएं बनानी हो उसके संबंध में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। किसके बेस पे? समय कारक विधि के बेस पे। यानी एस जी कुचाल जो है वो अपनी डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि इस डेफिनेशन के माध्यम से कि हमें अगर फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना है या प्लानिंग करनी है उसके लिए समय कारक विधि का इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो है, टाइम एडजस्ट रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी दैट 1 रुपीज ऑब्टेंड आफ्टर 1 ईयर और एनी अदर पीरियड इज लेस वैल्यूएबल दैन द 1 रुपीज रिसीव टूडे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो समय समायोजन विधि है वो इस कंसेप्ट पे आधारित है कि जब भी हमें फ्यूचर में जो 1 रुपया मिलेगा या फ्यूचर में 1 साल के बाद या कभी भी उस आगे वाली पीरियड में जब, यानी आगे फ्यूचर में जब भी हमें 1 रुपया मिलेगा वो कम वैल्यूबल यानी कम मूल्यवान होगा आज के कंपैरिजन में। इसका फॉर एग्जांपल है कि हम बात करते हैं कि पहले जो 10 रुपये की वैल्यू थी आज वहाँ क्या हो गया, आज वो 10 रुपये की वैल्यू अभी नहीं है। तो जब भी फ्यूचर की बात करते हैं तो टाइम के साथ में हमारी जो मनी की वैल्यू होती है वो डाउन होती जाती है। और ये भी यही इस लाइन में क्लियर होता है कि जो 1 रुपीज़ जो है, जो हम कह सकते हैं फ्यूचर में या फ्यूचर की किसी भी डेट में जो रिसिप्ट होगा उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमसे, अगर हम बहुत पहले की टाइम करें 20 ईयर्स बिफोर जाके बात करें, तो जो 10 रुपये का वैल्यू उस समय था आज क्या वो 10 रुपये का वैल्यू अभी है क्या? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रुपये का जो वैल्यू रहता है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, गिरता रहता है, यानी उसमें कमी आती रहती है, ठीक है। तो ये समय कारक विधि का इंट्रो था, कि इंट्रोडक्शन दिया था एस जी कुचाल की डेफिनेशन से, और एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने आपको बता दी कि 1 रुपये की वैल्यू है वो आने वाले फ्यूचर में कम वैल्यूबल होगी। देखिए, मॉडर्न डिस्काउंट मेथड में ये हमारा कैपिटल बजटिंग का 7 पार्ट रहेगा। मॉडर्न जो, या हम इसे कह सकते हैं डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक, यानी आधुनिक बट्टा नगद प्रवाह तकनीक। आधुनिक विधियों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IRR के रूप में जानते हैं। क्लियर है आपको? आज हम 2 मेथड का डिस्कस करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का। तो चलिए हम देखते हैं कि NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, शुद्ध वर्तमान मूल्य को हमें क्या इंपॉर्टेंट लाइन से जो हमें याद रखनी है, इट इज़ अ बेस्ड ऑन टाइम एडजस्ट रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि ये जो विधि है ये समय समायोजन प्रत्यय की दर पर आधारित है, यानी टाइम एडजस्ट रेट ऑफ रिटर्न पे फोकस करती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू और नेट गेन मेथड। यानी कि इस विधि को हम एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू और नेट गेन मेथड के रूप में भी जानते हैं। एग्जाम
की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो एनपीवी को अगर हमें कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू दे दे या नेट गेन मेथड दे दे तो भी एनपीवी का ही मतलब रहेगा इसका मतलब, ठीक है। दिस प्रेजेंट वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। ये जो विधि है, इस विधि का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस विधि में हम वर्तमान मूल्य को कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट सेम थिंग, यानी अगर मैं सी कहूँ, कॉस्ट कहूँ चाहे इन्वेस्टमेंट कहूँ, तो बात तो एक ही है। यहाँ पे वर्तमान मूल्य का जो कंपेयर है वो किससे कर रहे हैं, हम विनियोग तथा लागत से कर रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। यानी वर्तमान मूल्य जो होता है, जो भी अभी प्रेजेंट में क्या वर्तमान मूल्य है उसका कंपेयर कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं या लागत से या हम कह सकते हैं विनियोग से। क्लियर है। इफ द एनपीवी ऑफ द कैश इनफ्लो इज इक्वल और मोर देन द कॉस्ट इन्वेस्टमेंट देन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। अगर हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू कौन सा, नगद प्रभाव का, वो यानी प्रेजेंट वैल्यू अगर हम शॉर्ट में बात करें कि जो हमारा वर्तमान मूल्य है वो कॉस्ट लागत या इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है या इक्वल, यानी कि या तो बराबर होगा या ज़्यादा होगा, तो हम उस प्रोजेक्ट को, उस प्रपोजल को स्वीकार करेंगे। राइट। व्हेन मैनेजमेंट हैज़ टू चूज ओनली वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट देन दैट प्रोजेक्ट इज चूजन हुज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज हाईएस्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी मैनेजर को बहुत सारे प्रोजेक्ट दे रखे हैं और उसमें से एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो वो उसी प्रोजेक्ट को चूज करेगा जिसका एनपीवी ज़्यादा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 10, 12, 13, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, 13 को चूज करेंगे। राइट। तो अभी हमने इस एनपीवी की बात की थी। एनपीवी में मैंने यहाँ पे की लाइंस जो होती है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, वो यहाँ सारी लिख दी है कि एनपीवी जो है वो बेस किस पे रहता है, समय समायोजन प्रत्यय की दर पर आधारित रहता है। इसे हम एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू और नेट गेन मेथड के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का इस विधि में जो एनपीवी है, इस विधि में हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, कॉस्ट से या इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रोजेक्ट को कब सेलेक्ट करेंगे, जब आपका एनपीवी यानी कि या हम कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट के बराबर आए या फिर उसे ज़्यादा आए। जैसे कि अगर आपका कॉस्ट है वो 10,000 दे रखा है और आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हो सकता है कि 13,000 आ रहा है, तो आप किसको, आप क्या कहेंगे, इस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पीवी कितना है, 13,000, जबकि कॉस्ट कितनी है, 10,000, तो या तो इससे ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है ये 13,000, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे। राइट। अगर आपका यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 10,000 आ रहा है तो भी ये कॉस्ट के इक्वल आ रहा है, तो भी इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एनपीवी इज इक्वल टू पीवी माइनस कॉस्ट, यानी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू हम अभी कैलकुलेट करके आपको क्वेश्चन से बताएंगे और कॉस्ट आप जानते हैं कि हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी वर्तमान में आपके यहाँ पे कितना पैसा आ रहा है। सी यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट से बताया गया है। राइट। हमने एनपीवी का थ्योरी पार्ट किया था जिसमें हमने एनपीवी का डिस्कस किया था, तो उसमें आपने देखा होगा समय कारक तत्वों पे ये ध्यान देता है। इसमें या हम कह सकते हैं एनपीवी मेथड और आपका एक मेथड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इन दोनों मेथड में डिस्काउंट रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है। ये डिस्काउंट रेट क्या होती है उसका जानना जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। जैसे कि हम मानते हैं कि आज जो प्राप्त होने वाला यानी प्रेजेंट में जो 100 रुपीज़ है जो आज मिलने वाला है वो एक वर्ष बाद हम मानते हैं कि 110 हो जाएगा, यानी कि ये फ्यूचर का है, यानी कि और ये किसका है, प्रेजेंट वैल्यू। तो यानी हम कह सकते हैं कि 100 रुपये जो मुझे आज प्राप्त हो रहे हैं फ्यूचर में वो उसका देखें तो वो कितना है, 110, यानी कि जो फ्यूचर में मुझे 110 रुपये मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है प्रेजेंट में, 100 रुपये।
क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जब भी मनी का जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, डाउन होता रहता है। यानी कि हम बात करें कि जो 10,000 की वैल्यू आज से 10 साल पहले जो थी वो आज के समय में उस 10,000 की वैल्यू वो नहीं रही है। यानी कि जो 100 रुपये की वैल्यू आज है, ठीक है, 100 रुपये में वैल्यू, यानी हम मान सकते हैं कि 100 है, फ्यूचर में वो दिखने में तो वो क्या होगा, 110 होगा, लेकिन उसका वैल्यू कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। आर यू क्लियर? इसी को समझने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिससे आपको पता चले कि डिस्काउंट रेट होता क्या है। यानी कि हम बात करें कि फ्यूचर में जो 110 मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 100 है, ठीक है। यदि अगर हम बात करें कि एक साल के बाद जो मुझे 1 रुपये मिलेगा उसकी वैल्यू वर्तमान में कितनी है, यानी कि 1 ईयर के बाद में, यानी एक ईयर फर्स्ट अगर हम बात करें कि एक साल के बाद में, तो एक साल के बाद में 1 रुपये की जो वैल्यू है वो वर्तमान समय में कितनी है उसको फाइंड करना, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू रेट, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम में दे रखा है 10% डिस्काउंट दे रखा है और उसको आपको निकालना है आपकी प्रेजेंट रेट, ठीक है, तो इसके लिए हम दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। एक तो फार्मूले से कर सकते हैं जिसका फार्मूला है C1 प्लस डिवाइड करेंगे हम 1 प्लस R, ठीक है। तो यहाँ पे R का मतलब क्या हो गया, रेट। C को हम एज्यूम करते हैं 1 रुपये की वैल्यू निकालनी है, तो 1/1 प्लस R यानी 10% रेट दे रखी, क्योंकि हम मान रहे हैं इफ़ 10% डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1, ये 10% है, जब 1 में जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1.1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.909। क्लियर है आपको? देखिए कैसे, यानी 1 रुपये की जो वैल्यू, यानी 1 रुपये जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी वर्तमान वैल्यू कितनी है, 0.909, यानी ये क्या है आपकी प्रेजेंट वैल्यू। यानी मैं अगर बात करूँ कि 1 रुपया जो मुझे 1 साल बाद मिलेगा उसकी वर्तमान में वैल्यू कितनी है, 0.909। उसी तरह से अगर मुझे 2 साल का निकालना है, 10% 2 ईयर्स का निकालना है, तो दूसरे साल का कैसे निकलेगा, C2 यहाँ लिखेंगे 1 प्लस R और यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर 2 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे साल का निकालना है, तो वही 1 मानेंगे प्लस 1 प्लस आपका 10% ही रहेगा और यहाँ पे लग जाएगा होल, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका होल पूछा है तो ये 2 लग जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.826। क्लियर है आपको? 1.1 से 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1.21। तो ये इसका जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 0.826। बाई चांस ये 3 ईयर्स का दे रखा है, तीसरे साल भी पूछ रहा है कि तीसरे साल में जो मुझे 1 रुपया मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, थर्ड ईयर का पूछ रहा है, तो हम थर्ड ईयर का भी निकाल सकते हैं, वही फार्मूला करना है और यहाँ पे 3 लगाना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, वही डिस्काउंट रेट तो वही सेम लेनी है, तो क्या हो जाएगा इसका, वही 1.1 और इस यहाँ पे होल कितना होगा, 3 का, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1.331 और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 0.751। यानी कि डिस्काउंट रेट, यानी 1 रुपये की वैल्यू, 1 रुपया जो मुझे 1 साल के बाद मिलने वाला है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.909। दूसरे साल जब मुझे जो मिलने वाला है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.826 वर्तमान में। तीसरे साल जो मुझे 1 रुपया मिलने वाला है उसकी वैल्यू कितनी है वर्तमान में, 0.751। उसी तरह से फोर्थ फिफ्थ ईयर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं, एक फार्मूला लगाया C/1+R, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाया, फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर का लगा दिया हमने। यहाँ पे रेट क्या मान के चले हम, 10%, तो यहाँ पे 10%। इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का लग जाएगा, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर का लग जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी प्रेजेंट रेट को डिफाइंड करेगा। एक मेथड तो इस तरह से कि हम सॉल्व कर सकते हैं, एक मेथड और है कि हम इसे टेबल बना के भी बता सकते हैं। वही लेते हैं, जैसे कि इफ़ 10% गिवन एज अ डिस्काउंट रेट, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, और आपको बोल रहा है कि 5 ईयर्स तक का सॉल्व आउट कीजिए,
डिस्काउंट रेट को। तो हम क्या करेंगे, इसके थ्री कॉलम बनाएंगे। पहला बनाया हमने ईयर का, सेकंड बनाया आपने फ्यूचर वैल्यू का, और तीसरा बन जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, पहले साल का निकालते हैं कि माना कि हमें जो 110 रुपये मिल रहे हैं फ्यूचर में, उसका वर्तमान मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसे हम एक से ही कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि जो 100 रुपये हैं, जो वर्तमान में 100 रुपये हैं, उसका फ्यूचर में कितना मिल रहा है, 110। यानी अगर हम बात करें कि फ्यूचर में जो मुझे, यानी भविष्य में जो मुझे 110 रुपये मिलेगा, उसका वर्तमान वैल्यू कितना है, 100 रुपये, ये मान के चलते। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे आया 110। तो देखिए, हमने माना कि जो मुझे वर्तमान में 100 रुपये मिल रहे हैं, वो फ्यूचर में कितने मिलेंगे, 110। तो देखिए कैसे निकाला 110, 100 रेट कितनी दे रखी है आपको, 10%, तो ये कितना आया, 10। तो ये 100 में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 110। क्लियर है आपको। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 100 डिवाइड 110, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 0.909। सेकेंड ईयर का निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, जो आपको एक साल के बाद, यानी एक साल के बाद जो 110 रुपये मिल रहे हैं, वो आपको दूसरे साल कितना हो जाएगा, दूसरे साल कितना होगा, ज़्यादा होगा, कितना होगा, जैसे मानते 121 हुआ। कैसे हुआ कि ये जो 110 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जो फर्स्ट ईयर का 110 था ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आ जाएगा आपका 11। 11 को आपको जोड़ना है 110 में, जो पहले साल का 110 है उसको जोड़ा, तो 121, वही 100 डिवाइड 121, देन आंसर इज 0.826। उसी तरह से आपको थर्ड ईयर का निकालना है। थर्ड ईयर का कैसे निकालेंगे कि 121, यानी कि जो हम मुझे दूसरे साल 121 मिल रहा है, वो तीसरे साल तो इससे भी ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, उसकी वैल्यू पर वैल्यू डाउन होगी, लेकिन वो दिखने में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 121 मल्टीप्लाइड 10%, तो कितना आया आपका, 12.1। इसे आपको किस में जोड़ना है, 121 में जोड़ना है। क्लियर है आपको। तो ये आ जाएगा 33.1, यानी कि जो मुझे दूसरे साल 121 मिल रहा है, वो तीसरे साल कितना हो जाएगा, 133.1। क्लियर है आपको। और इसका वर्तमान मूल्य निकालिए कि मुझे जब तीसरे साल 131.1 मिल रहा है, उसका फ्यूचर वैल्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो 0.751 आएगा। क्लियर है आपको। उसी तरह से फोर्थ का निकालेंगे हम। फोर्थ का कैसे निकालेंगे, 133.1 मल्टीप्लाई 10%, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 13.31। ठीक है, इसे किसमें ऐड करना है, 133.1 में। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 13.31। तो इसमें ऐड करेंगे किसमें, तीसरे साल की वैल्यू में, और ये आपका कितना आ जाएगा फोर्थ ईयर का, 146.41। बस प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फोर्थ ईयर की, कि चौथे साल जो मुझे 146.41 जो मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये 146.41 जो मिल रहे हैं, प्रेजेंट में इसकी वैल्यू क्या है, तो बस इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये आपकी प्रेजेंट की वैल्यू बता देगा, 0.683। उसी तरह से फिफ्थ ईयर का भी निकालना है, क्योंकि हमें फिफ्थ ईयर तक बोला है, तो 146.41 को 10% से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका कितना आएगा इसका, आपका इसमें आ जाएगा 14.64। इसको ऐड कर दीजिए फोर्थ ईयर की वैल्यू में, तो 46.41। तो ये आपका फिफ्थ ईयर का आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू, कितना आएगा, 161.05। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो इसका फिफ्थ ईयर का जो है आपका कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी, फाइंड हो जाएगी, वो कितनी है, 0.621। तो ये दो मेथड है जिसे हम फाइंड कर सकते हैं। आप अपने एग्ज़ाम में अगर 10% दे रखा है, तो आप पता है आप अपने कैलकुलेटर में एक चीज़ कर सकते हैं कि आपको 1/1.1 करेंगे, तो आपको आ जाएगा 0.909। शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो 1/1, अगर 10% दे रखा है तो, ठीक है, अगर आप इसे इसको बिल्कुल जी, जब आपका आंसर ये निकल जाए कैलकुलेटर में 0.909, तो आप वापस इक्वल का कॉलम लगाइए, तो आपको मिल जाएगा 0.826।
आप वापस उसको इक्वल का निशान लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा, थ्री इयर्स का भी निकल जाएगा 0.751। इक्वल का वापस लगाने के बाद में तो वापस आपको आंसर क्या मिलेगा 0.68। यानी कि एक फाइंड करने के बाद में आप इक्वल का जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सेकेंड ईयर का फाइंड हो जाएगा। फिर अगर आप वापस सेकेंड ईयर पे क्लिक करेंगे इक्वल का तो आपको थर्ड ईयर का मिल जाएगा। तो ये डिस्काउंट रेट है। डिस्काउंट रेट के बारे में हमने इसलिए बताया क्योंकि डिस्काउंट रेट से ही हमें क्या करना है, एनपीवी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये डिस्काउंट रेट का कैलकुलेशन हमने किया। देखिए डिस्काउंट रेट का मतलब होता है कि आपका जो जैसे कि एक रुपया है जो आपको एक साल बाद मिलने वाला है उसमें किस रेट से गिरावट हो रही है। यानी कि जो मुझे एक साल बाद जो एक रुपया मिल रहा है उसका वर्तमान वैल्यू कितना है 0.909, किस रेट से डाउन हो रहा है 10% डाउन से हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पैसा होता है उसकी वैल्यू क्या होता है फ्यूचर में डाउन होती है। वो दिखने में तो आपको देखते हैं कि करेंसी जो मनी है वो डबल हो रही है, यानी 100 रुपीज़ है वो 110 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है उसकी डाउन होती जा रही है, यानी उसका मूल्य हमेशा गिरता है। क्लियर है आपको? चलिए हम एक इसका एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं एनपीवी का, जिससे आपको क्लियर हो। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है 10,000। क्लियर है आपको? डिस्काउंट रेट दे रखी है मैंने 10% से लिए, और यहाँ क्वेश्चन में गिवन था आपका 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। तो यहाँ हमें 5 इयर्स का गिवन है रेट। क्लियर है आपको? यहाँ पे देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखा है 2000, 4000, 4000 और 2000 और 1000। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि हमने पे बैक पीरियड मेथड किया था, उसमें भी हमने क्या यूज़ किया था, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ध्यान रखिएगा ये आपको तीन मेथड में फॉलो करना है। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, तीन मेथड में। ये चीज़ कैश इन फ्लो कहाँ यूज़ करेंगे, एक तो करेंगे हम पे बैक पीरियड मेथड में, दूसरा करेंगे एनपीवी में, और तीसरा करेंगे प्रॉफिटेबली इंडेक्स में। यानी कि ध्यान रखिएगा कि ये जो हम बिफोर डेप्रिसिएशन कर रहे हैं ये तीन जगह अप्लाई करना है। पे बैक पीरियड में भी यही यूज़ करेंगे, एनपीवी में भी यही करेंगे, और पीआई में भी यही यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दे रखा है, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे। 5 इयर्स का दे रखा है, 5 इयर्स यहाँ लिख दिया हमने। आपका कैश इन वैल्यू दे रखा होगा 2000 दे रखा है क्वेश्चन में, सेकंड ईयर 4000, थर्ड 4000, फोर्थ ईयर में 2000 और फाइव ईयर में 1000। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। डिस्काउंट रेट गिवन था, अगर नहीं भी हो तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको तरीका बता दिया है। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट रेट दे दिया। कैश इन फ्लो जो है और उसको आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो हमने रेट निकाली डिस्काउंट रेट, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2000 को 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1818, यानी 1818। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर में 2000 मिलेगा हमें एक साल के बाद में, उसका वर्तमान मूल्य कितना है 1818। क्लियर है? सेकेंड ईयर में जो मुझे 4000 मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना निकाला हमने, 3304। समझ में आ गई? यानी कि जो मुझे दो साल के बाद 4000 रुपये मिल रहा है उसकी अभी वर्तमान में मूल्य कितना है, 3304 रुपये। जो थर्ड ईयर में मुझे 4000 मिल रहा है उसका थर्ड ईयर में वैल्यू क्या हो रहा है, 3004। देखें आपने कि ये जो 4000 है सेकेंड ईयर में भी मिल रहा है, लेकिन सेकेंड ईयर में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही एक साल और बीत जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम। 2000 जो मुझे फोर्थ ईयर में मिलेगा, फ्यूचर में जो मुझे 2004 ईयर बाद मिलेगा उसकी वर्तमान में वैल्यू कितनी है, 1366। तो आप यहाँ पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक साल के बाद जो 2000 मिल रहा था उसकी तो वैल्यू है 1818, लेकिन उसी 2000 की अगर हम 4 साल के बाद बात करें तो देखिए यहाँ पे भी इतना डाउन आ गया है कि ये 1818 में मिल रहा था, ये आपको देखिए 1818 मिल रहा था एक साल के बाद, लेकिन 4 साल के बाद में उसकी वैल्यू और डाउन हो गई, यानी क्या हो गई, 1366।
यानी कि अगर हम बात करें कि 5 साल के बाद मुझे 1,000 रुपये मिलने वाले हैं, कितना मिल रहा है 5 साल के बाद मुझे 1,000 मिलने वाले हैं, तो 1,000 की वैल्यू आज के समय में 621 के बराबर है। क्लियर है? तो यानी कि क्या हो रहा है, फ्यूचर में वैल्यू डाउन होती जा रही है। बस इनको मल्टीप्लाई हमने किया 2000 को इन सब रेट से, 4000 को 0.751 से, 2000 को 0.683 से, और 1000 को मल्टीप्लाई किया 0.621 से, तो 621। इन सबको जब ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी 10113। फॉर्मूला क्या बताया था एनपीवी का आपको, नेट प्रेजेंट वैल्यू का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का हमने कैलकुलेशन की थी, तो कितना आ रहा है 10,130। माइनस करेंगे हमारी जो कॉस्ट दे रखी थी, क्वेश्चन में कॉस्ट कितनी दे रखी है 10,000 दे रखी है, तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है 130। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि हम लोग ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। तो देखिए, आपने लगाया कितना था, 10,000 रुपये लगाया था, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 10,113। तो आपको अभी मेथड में, थ्योरी में क्लियर कर दिया था कि या तो कॉस्ट के बराबर आना चाहिए या कॉस्ट से ज़्यादा आनी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है, कितनी आ रही है 113 ज़्यादा आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ आपको क्वेश्चन में नोट डालना है, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट हैज़ ए पॉजिटिव एनपीवी। यानी क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है आपको? अगर ये 10,000 भी होता एनपीवी आपका, तो 10,000 माइनस 10,000 यानी जीरो, फिर भी हम इस प्रोजेक्ट को ले सकते थे। लेकिन ये, और अगर आपका यहाँ पे कैश इनफ्लो सपोज दैट यहाँ पे 9,000 होता, तो क्या हम लेते? नहीं लेते, क्योंकि ये जितना हमने लगाया उससे भी ज़्यादा डाउन आ रहा है। यानी 10,000 का नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रही है 9,000, तो हम इस प्रोजेक्ट को नहीं लेंगे। क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट हम इसी के साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट्स आपको नोट करने हैं पॉइंट, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है। जैसे पहला नोट आपको दे रखा है IRR। IRR में हम क्या यूज़ करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन और टैक्स को दोनों को रिड्यूस करेंगे, जो कि मैंने ARR मेथड में आपको क्लियर कर दिया था। ध्यान रखिएगा, NPV मेथड में, IRR मेथड में और पे बैक पीरियड मेथड में अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन यूज़ करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर की। क्या है कि NPV वाले मेथड में, IRR मेथड में, पे बैक पीरियड मेथड में और आपका प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में, इन सब में हम क्या यूज़ करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? ठीक है, चलिए इसमें आगे देखिए। कैश इन फ्लो अगर दे रखा हो, कैश इन फ्लो को भी फाइंड कर सकते हैं हम। सेल्स दे रखी होगी, सेल्स अगर आपको कैश इन फ्लो डायरेक्ट नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम फाइंड कैसे करेंगे? सेल्स दे रखा होगा, उसमें सेल्स के अमाउंट लिख देंगे, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट दे रखा होगा। वेरिएबल कॉस्ट या तो डायरेक्ट दे रखा होगा, या फिर ये कहा गया होगा कि सेल्स का इतना परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे 1,00,000 का 10% वेरिएबल कॉस्ट है, तो कितना हो जाएगा 1,00,000 सेल्स आपकी, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर है? उसके साथ में फिक्स कॉस्ट दे रखा होगा, या तो अमाउंट में या परसेंटेज में, तो वो हमें लिखना है। पहले सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, देन आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे, तब आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसे हम कहते हैं EBT। क्लियर है? तो अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम टैक्स को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, और टैक्स को घटाने के बाद आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इसके अंदर जब वापस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, तो हमें वो अमाउंट मिल जाएगी जो हमें बहुत से मेथड में चाहिए। कौन सी? कैश इन फ्लो अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।